हर कोई इस YouTube चैनल के ऊपर अपना इंट्रो डालता है, बट आई डोंट नो हाउ टू डू दैट इंट्रो वीडियोस, सो आई डिसाइडेड टू शेयर सम फैक्ट्स विद यू ऑल एंड दिस सम रैंडम वीडियो. वॉच इट टिल एंड. हम पांच बहन भाई हैं और मैं सबसे छोटी हूँ. तीन बहनें और दो भाई हैं हम. आई वॉज बॉर्न इन मदीना. मैं हर वीकेंड हेयर ऑयलिंग करती हूँ. मेरे नेचुरली बाल कर लिए हैं. मुझे मोहब्बत है खाने से. मैं अपनी हाफ से ज़्यादा पॉकेट मनी खाने पे खर्च करती थी. सिटी में जो रेस्टोरेंट खुलता है सबसे पहले मैं विज़िट करती हूँ उसके ऊपर. आई लव फूड अलॉट. मुझे अगर सुबह सुबह चाय ना मिले तो मेरी आंखें नहीं खुलती. यस आई एम अ चाय लवर. मुझे डार्क कलर की लिपस्टिक्स लगाना बहुत पसंद है. इट कुड बी रेड, ब्राउन, पर्पल, एनी कलर, बस डार्क होनी चाहिए. आई ऑन अ कार. मेरे अब्बा जी ने मुझे कार गिफ्ट की थी व्हेन आई क्लियर्ड सेकंड ईयर ऑलमोस्ट 3 years back. एंड ही सेड बेटा इसी पे स्कूल आना जाना, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो भी है, और अपने काम इसी पे करना, हमें तंग ना किया जाए. जब मैं 12 साल की थी मैं तब से गाड़ी चला रही हूँ. एंड यस आई हैव अ लाइसेंस. एंड यस आई लव ट्रैवलिंग. मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, पर मेरा एक मसला है. मैं आफ्टर 15 days, मैक्सिमम 15 days के बाद आई स्टार्ट मिसिंग माई बेड. आई वॉन्ट टू गो होम. आई वॉन्ट टू स्टे एट माई होम. आई लव हिल स्टेशन ग्रीनरी, बट मैं 15 दिन से ज़्यादा बाहर अपने घर से नहीं रह सकती. अगर लाइट्स जल रही हों तो मैं सो नहीं सकती हूँ. लाइट्स का ऑफ होना ज़रूरी है. सर्दियाँ या गर्मियाँ, मैंने अगर चादर ना पहनी ऊपर तो मुझे नींद नहीं आती. लाइक आई कॉन्ट स्लीप एट ऑल. और अगर सोते सोते मेरे ऊपर से चादर हट जाए तो मेरी आंख खुल जाती है. एक बात तो मैं बताना भूल ही गई, मैं नींद में बोलती हूँ. मुझे एक बर्थ मार्क भी है, पैदाइशी निशान, लेफ्ट फुट पर. आई कांट शेयर माई बेडरूम एट ऑल. और अगर कोई मेरे घर रहने आ जाए तो 2 दिन से ज़्यादा अगर वो मेरे कमरे में रहने लग जाए तो मुझे बहुत इरिटेशन होने लग जाती है. मैं अनकंफर्टेबल होने लग जाती हूँ. मुझे गुस्सा आने लग जाता है. और समटाइम्स इट फील लाइक के मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो रही हूँ. आई रन माई ऑन बिजनेस, फीमेल एक्सक्लूसिव स्टोर. इट इज़ अ फिजिकल स्टोर इन मुल्तान, लोकेटेड इन इट्स गर्देजी मार्केट. मुझे पब्लिक इंसल्ट से बहुत डर लगता है. आई कैन बेयर एवरी थिंग बट नॉट पब्लिक इंसल्ट. और अगर कोई मुझे पब्लिकली इंसल्ट करता है तो उस इंसान का मेरी ज़िंदगी में आखिरी दिन होता है. आई डोंट हैव दैट जेलसी फैक्टर इन मी विद एनीबडी, लाइक नॉट इवन अ मेल और अ फीमेल. मैं कभी भी किसी से जेलस फील नहीं करती. आई एम लाइक Whatever I am having, I am having good. और अगर मुझे कुछ बेहतर करना है तो अपने आप को देख के ही बेटर करना है. कि आई हैव अ कॉम्पिटिशन विद माई सेल्फ, विद नो बडी एल्स. ना कि पढ़ाई में, किसी चीज़ में भी मैं किसी के साथ कोई कॉम्पिटिशन नहीं लगाती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ. Whenever I introduce myself to anybody, I tell them that my name is Umaima Sardar Baloch. But in actual or in documents, मेरा नाम सिर्फ उमाइमा है. आई वॉज बॉर्न इन मदीना, तो वहाँ सिर्फ सिंगल नेम होता था, नो सर्व नेम. जिस टाइम में मैं पैदा हुई थी इन 90s, तो उसमें यह था कि देर वॉज अ रूल दैट आपको सिर्फ बच्चे का नाम लिखवाना है डॉक्यूमेंट्स पे भी. इवन ऑन माई पासपोर्ट इट्स जस्ट उमाइमा. तो इन माई ऑल डॉक्यूमेंट्स
इवन के मेरे मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे भी मेरा नाम सिर्फ उमायमा है, उमायमा सरदार, इवन बलोच भी नहीं है, इट्स जस्ट उमायमा. देन हु इज सरदार, राइट? सरदार मेरी कास्ट नहीं है, ना कि बलोच की सब कास्ट है. सरदार इज़ माई फादर नेम. मेरे अब्बू का नाम है मोहम्मद सरदार. सो उमायमा मीन्स लीडर, सरदार मीन्स लीडर. एंड आई गेस ड्यू टू दैट नेम मीनिंग्स, आई बिलीव इन दैट कि जो आपके नाम का मतलब होता है उसका आपके ऊपर बहुत असर पड़ता है, इसलिए शायद मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ. मैंने जितने भी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है, पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम जो है वो सिर्फ उमायमा है. तो वेन एवर वेयर एवर पीपल वॉन्ट टू एड अप द सर नेम, कहीं अगर ऐड करना हो तो दे ऐड मोहम्मद, बिकॉज माई फादर नेम इज़ मोहम्मद सरदार आलम एंड माई नेम इज़ जस्ट उमायमा. तो मेरा सर नेम आता है उमायमा और मेरे फादर का फर्स्ट नेम आता है मोहम्मद, विच इज़ उमायमा मोहम्मद. कहीं भी मेरा नाम उमायमा सरदार या उमायमा बलोच कुछ भी नहीं है. आई वॉज़ इन स्कूल, कॉलेज, इवन इन यूनिवर्सिटी, मुझे कहीं भी उमायमा नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि जहाँ भी मैं पढ़ती थी वहाँ बहुत सारी उमायमा थी. तो पीपल यूज़ टू कॉल मी सरदार, इवन माई टीचर्स.